एक और चीज़ है जो एक नुकसानदायक है, वो ये है कि मैं लाइक नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट टाइम पे आपने वीडियो देखा था जिसके अंदर मैंने अपने डोमिनार के अंदर एक्स्ट्रा फोम वाला सीट लगाया था एंड उसके बाद अरे यार आवाज़, चलिए कोई बात नहीं। तो लास्ट टाइम पे जैसे आप लोगों ने देखा था कि मैंने डोमिनार के अंदर एक्स्ट्रा फोम वाला सीट लगाया था एंड इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि फोम वाले सीट का लाइक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका रिव्यू क्या है। तो लाइक सीट लगाने के बाद ऑलमोस्ट मैं इसको कुछ 200 किलोमीटर तक चला चुका हूँ, सिटी में चला है, ट्रैफिक में चला है, हाईवे पर चला है एंड अभी इसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि लाइक मेरा कम्फर्ट और मेरा ये फील कैसा। तो पहला चीज़ तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा फोम लगाने के बाद आप ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाते हो, बैठने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। एक और चीज़ है जो एक नुकसानदायक है वो ये है कि मैं लाइक मेरा हाइट बढ़ गया है अभी, सीट हाइट लाइक पहले जो काफ़ी नीचे था वो अभी काफ़ी ऊपर हो गया है, लेकिन सिटिंग कंफर्ट इट्स रियली परफेक्ट एंड जिसके हिसाब से अभी जब मैं डोमिनार पर बैठता हूँ तो मेरा डोमिनार का सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो लाइक जो पहले मैं लाइक 100 किलोमीटर कंटिन्यू जाने के बाद प्रॉब्लम आ जाता था, थक जाता था, अब वो सेम चीज़ मैं लाइक डबल कर सकता हूँ, लाइक 200 किलोमीटर तक हम लोग स्ट्रेट जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड ये सिटिंग कम्फर्ट के अंदर चेंज हुआ है। अभी इसके बाद का बाकी सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ बाइक चलाते हुए। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे लाइक देख रहे हो सिटिंग पोजीशन में आपको फ़र्क दिखते रहेगा क्योंकि मेरा अभी सीट हाइट ऊपर हो गया है, तो जिसके वजह से आपको थोड़ा व्यू भी एक दूसरा मिलता रहेगा एंड सेम चीज़ है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सीटिंग कंफर्ट इज़ रियली नाइस। अभी आप बाइक पे ज़्यादा टाइम बैठ के ज़्यादा लंबा डिस्टेंस विदाउट एनी ब्रेक कवर कर सकते हो, लाइक यस जिन लोगों का आदत है वो लोग तो लाइक ज़्यादा पहले से ही करते रहेंगे, लेकिन स्टिल जो मैंने एक्स्ट्रा फॉर्म लगाया जिसका मुझे कुछ 750 रुपीज़ चार्ज लगा था ओनली सिर्फ फ्रंट सीट का, रियर का भी करवाना है तो यस कर सकते हैं, बट मैं पिलियन के साथ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, आप लोगों को तो ये चीज़ पता ही है, इसीलिए मैंने सिर्फ अपना जो फ्रंट था फ्रंट सीट उसी का मैंने ये फोम एक्स्ट्रा ऐड करवाया था। पहले पहले मुझे ऐसा लगा था कि लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट नहीं, आई एम टोटली फाइन एंड ये सीट कंफर्ट अभी काफ़ी अच्छा है। काश कि बजाज वाले लोग पहले से ही इतना अच्छा सीट के अंदर फोम डाल के देते तो आपको मज़ा आता, लेकिन शायद से उन लोगों ने कुछ अपने हिसाब से किया रहेगा मैं भी, बट स्टिल तो जहाँ से मैंने ऐड करवाया उसका नंबर और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट अभी बाइक चलाने में लाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बाइक के एर्गोनॉमिक्स भी अभी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा तरीके से चेंज हो गया है, अभी बाइक को कंट्रोल करने में एंड चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे मिले थे जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ पर एंड उन्होंने भी बाइक चला के देखा, वो लोग भी बोल रहे हैं कि बाइक में एकदम प्रॉपर ADV जैसा अभी फील आ रहा है। सो अभी अगर आपको राइड करना है, टूर करना है, सिटी में चलाना है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। यस, डोमिनार का ओरिजिनल सीट कवर वो लोग फाड़ देंगे जब आपको इंस्टॉल करवाएंगे, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, कि आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए या ओरिजिनल सीट कवर चाहिए। वैसे ये नया वाला सीट कवर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी सॉफ्ट है, जिससे लाइक काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलता है जब आप बाइक के ऊपर बैठ के राइट। अगर आपका बम ठीक नहीं है बाइक के ऊपर बैठ के तो फिर इट्स रियली लाइक डिस्टर्बिंग फॉर अस, बट इट्स दैट्स इट, मतलब आपको बैठने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, सॉफ्टनेस फील होगा एंड आप ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस कवर कर सकते हो विदाउट एनी ब्रेक। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय।